अगर आप लोग भी 15,000 रुपए के अंदर एक लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो आप लोग को ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कुछ शानदार लैपटॉप के बारे में जो कि आप लोग को 15,000 रुपए के बजट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में पहले नंबर का लैपटॉप आता है Asus ChromaBook लैपटॉप। इस लैपटॉप के अंदर दोस्तों आप लोगों को 4GB रैम देखने को मिल जाएगी और 32GB इसका इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को जो CPU मॉडल देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा शानदार होगा और इसी के साथ आप लोग को इसके अंदर 11 इंच की इसकी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके अंदर आप लोग को क्रोमा की का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसका जो लाइट वेट होगा वो आप लोग को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और इसी के साथ दोस्तों ये आप लोग को ग्रे कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट में बात करें इस लैपटॉप की प्राइस की तो आप लोग को अमेजोन के ऊपर 11,990 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी लिंक भी हमारे डिस्कशन बॉक्स में दी हुई है। अब दोस्तों हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर का लैपटॉप आता है HP ChromaBook लैपटॉप। इस लैपटॉप की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यह एक HP कंपनी का लैपटॉप है। HP अपने लैपटॉप बनाने के मामले में काफी ज्यादा जानी जाती है। बाकी इस लैपटॉप की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 11.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा शानदार लुक देती है आप लोगों को। बाकी इसके अंदर स्टोरेज की बात की जाए तो 4GB रैम देखने को मिल जाएगी और 16GB इसका इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा वह क्रोमा कीखा देखने को मिलेगा, मतलब कि क्रोमा का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी इसका ऑरेंज कलर आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और आप लोग के किड्स के लिए या फिर आप लोग एक स्टूडेंट है तो आपके लिए यह लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है। बाकी इसकी लास्ट में प्राइस की बात करें तो आप लोग को अमेजोन के ऊपर 12,999 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा और यह लैपटॉप काफी ज्यादा दिखने में भी शानदार है और काफी ज्यादा बजटेबल लैपटॉप होने वाला है आपके लिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग एक स्टूडेंट या फिर किड्स के लिए कोई लैपटॉप लेना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ यही लैपटॉप होने वाला है। बाकी दोस्तों हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर का लैपटॉप आता है Lenovo ThinkPad लैपटॉप। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 14 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और ये आप लोगों को ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों अगर आप लोग बेस्ट स्टोरेज वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं तो यह Lenovo का लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आप लोग को 8GB रैम के साथ 500GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा शानदार है एक 15,000 लैपटॉप के अंदर। बाकी इसके अंदर आप लोगों को CPU मॉडल देखने को मिलेगा वह क्रोमा i5 देखने को मिल जाता है, मतलब कि इसके अंदर आप लोगों को जो CPU मॉडल देखने को मिलेगा वह इंटेल कोर i5 का देखने को मिल जाए। बाकी इसके अंदर आप लोगों को विंडोज 7 सपोर्टेबल देखने को मिलेगी और लास्ट में बात की इस लेने वाले टैबलेट की प्राइस की तो आप लोग अमेजोन के ऊपर 13,500 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारे लिस्ट में चौथे नंबर का लैपटॉप आता है डेल लैटिट्यूड लैपटॉप। इस लैपटॉप की सबसे खास बात यह है कि यह एक सबसे शानदार डेल का लैपटॉप होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को इंटेल कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि इस लैपटॉप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर 4GB रैम देखने को मिल जाएगी और 256GB इसका इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर अदर स्टोरेज की बात की जाए तो आप लोग इसके अंदर काफी ज्यादा अदर स्टोरेज भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इस लैपटॉप के अंदर आप लोगों को 14 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, विंडो 10 प्रो सपोर्टेबल देखने को मिल जाएगा यह लैपटॉप। और बाकी बात करें तो इसकी CPU स्पीड की तो यह आप लोगों को 2.5 GHz की CPU स्पीड देने वाला है। बाकी लास्ट में बात करें इस डेल लैपटॉप के प्राइस की तो यह आप लोगों को 14,000 रुपए के अंदर Amazon पर मिल जाएगा। यहां से आप लोग इसको खरीद कर ले सकते हैं। बाकी इसकी लिंक भी हमारे डिस्कशन बॉक्स में दी हुई है। अब दोस्तों हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर का लैपटॉप आता है Lenovo IdeaPad लैपटॉप। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 6th जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि इसको काफी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को इसका लाइट वेट भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और इसी के साथ आप लोगों को इसके अंदर 14 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और अब स्टोरेज की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 8GB रैम और 256GB इसके इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बाकी यह दोस्तों एक विंडो 11 सपोर्टेबल होने वाला है। इस Lenovo के लैपटॉप की बात की जाए तो इसकी लास्ट में प्राइस की तो आप लोगों को 14,990 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा Amazon के ऊपर। बाकी इन सभी लैपटॉप की जो हमारी डिस्कशन बॉक्स में लिंक दी हुई है वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं या Amazon पर दी हुई लिंक ही है। तो आप लोग अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं अपने Amazon वाली लिंक को तो डिस्कशन में इसकी सभी लैपटॉप की लिंक दी हुई है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग भी 15,000 रुपए के बजट के अंदर एक अच्छा सा लैपटॉप बाय करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के।